इस वीडियो में आप जानेंगे पुरानी से पुरानी कब्ज को खोलने का, जड़ से खत्म करने का एक बेहद आसान असरदार घरेलू नुस्खा। जय हिंद, मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपके लिए लाता रहूंगा देसी नुस्खे, घरेलू इलाज, तंत्र मंत्र यंत्र, टोटके उपाय से इलाज और भी बहुत कुछ। तो तिलिस्मी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज से फ़ायदा और बेहतरीन जानकारी उठाते रहें। कब्ज एक ऐसा रोग है कि ये जिसे होता है वो कहीं खोया खोया सा रहता है, चाहे वो महफिल में रहे चाहे वो अकेला रहे। कब्ज की वजह से पेट भारी भारी सा रहता है, भूख नहीं लगती है, सीने में जलन, पेट में दर्द और कब्ज की वजह से बवासीर कब्ज की वजह से अल्सर जैसा घातक रोग भी हो सकता है। तो कब्ज को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ बेसिक जानकारी आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि कब्ज की वजह से होने वाली जो मेजर परेशानियाँ हैं और कब्ज की जो बेसिक जानकारी है वो आप तक पहुँच जाए। और कब्ज को हल्के में यूं ही नहीं लेना चाहिए कह दिया गया है। कब्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए इसलिए कहा गया है कि कब्ज जो है तमाम बीमारियों की जड़ है। कब्ज को सभी बीमारियों की अगर माँ कहा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। कब्ज जो है सभी पेट की बीमारियों की और बीमारियों की जन्मदाता है, इसलिए कब्ज को कभी हल्के में ना लीजिए। कब्ज का एक बेहद आसान असरदार घरेलू नुस्खा आपके खिदमत में, आपकी सेवा में पेश खिदमत है। वो ये है कि आप देख रहे हैं सौंफ है और आप ये देख रहे हैं ये गुलकंद है। सौंफ है और गुलकंद है। सौंफ आंतों को ताकत देती है, आंत के फंक्शन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करती है और ये गुलकंद है। आयुर्वेद के दुनिया में गुलकंद को जो मकाम हासिल है, जो जगह हासिल है वो इस तरह है जैसे कि फलों में आम और सब्जी में आलू, तमाम इंसानों में बादशाहों को जो मकाम हासिल है उस तरह मकाम गुलकंद को हासिल है आयुर्वेद में कब्ज के लिए। तो ये हो गया नुस्खे की चीज़। अब इसको बनाना किस तरह है, बनाना इस तरह है कि आप 50 ग्राम सौंफ लीजिए। 50 ग्राम सौंफ को मिक्सी में, ग्राइंडर में किसी भी तरह आप पाउडर बना लीजिए, बारीक पीस लीजिए और 200 ग्राम आप गुलकंद लीजिए। 200 ग्राम गुलकंद में 50 ग्राम पिसा हुआ सौंफ का पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और किसी डब्बे में, ढक्कनदार डब्बे में बंद कर रख दीजिए। ये आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। ये नुस्खा हो गया, नुस्खे को कैसे बनाना है वो हो गया। अब नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आप जान लीजिए। नुस्खा इस्तेमाल करने की विधि ये है कि रात को जब आप सोने लगें, जब बिस्तर पर लेट जाएं, तब इसको एक टेबल स्पून, एक एपी स्पून यानी एक बड़ा चम्मच आप आधे गर्म दूध के साथ खा लें। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप एकदम सोने वाले हों, बिस्तर से आपको उठकर कहीं जाना ना हो, तब ही आप इसका इस्तेमाल करें। एक चम्मच, बड़ा चम्मच लीजिए और आधा गरम एक गिलास दूध लीजिए और इसे खा लीजिए। सुबह को आप देखेंगे पखाना, लेटरिन खुलकर आएगी, पुरानी से पुरानी कब्ज खुल जाएगी। जिन लोगों को वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर कब्ज होती है वो इसका इस्तेमाल करके अपनी कब्ज को खोल सकते हैं, कब्ज से निजात, छुटकारा पा सकते हैं। और अगर किसी को पुरानी से पुरानी कब्ज है, कब्ज की वजह से काफ़ी परेशानी हो चुकी है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करके पुरानी से पुरानी कब्ज को
दूर कर सकते हैं और पुराने से पुराने कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। बस कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आप ख्याल रखें तो अच्छा है। जैसे अपनी लाइफ स्टाइल में आपको थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको टाइम टेबल रूटीन मेंटेन करना होगा, उठने का, खाने का, और कुछ परहेज हैं जिसका करना भी ज़रूरी है। वो ये है कि तली भुनी तली चीज़ से आप परहेज करें, मसालेदार चीज़ से आप परहेज करें, गर्म चीज़ से आप परहेज करें, और संभव हो, मुमकिन हो तो थोड़ा सा वॉक भी करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करें। बुज़ुर्गों ने कहा है और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जिसके ज़िंदगी में टाइम टेबल नहीं है, रूटीन नहीं है, वो ज़िंदगी अधूरी है, वो ज़िंदगी खाली है। तो टाइम टेबल का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और ये ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो तली चीज़ से, मसालेदार चीज़ से, गर्म चीज़ से परहेज़ करें, थोड़ा सा टाइम टेबल मेंटेन करें, वॉक करें, आप पुरानी से पुरानी कब्ज से जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। जिन लोगों को ज़्यादा दिनों से कब्ज है, पुरानी कब्ज है, वो 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करें, और जो इसका इस्तेमाल फौरी तौर पर ज़रूरत के तौर पर करते हैं वो इसका इस्तेमाल कैसे भी करें। और अगर ज़्यादा मोशन आ जाए तो आप इसको बंद कर सकते हैं और फिर ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको मोशन कर देगा, ये आंतों को ताकत देगा, पेट को ताकत देगा, लीवर को ताकत देगा। यानी कहने का ये है कि पेट का, लीवर का, कलेजे का सारा फंक्शन सही कर देगा, कब्ज को निकाल कर फेंक देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। कमेंट में अपनी बात, अपना सवाल, अपना सुझाव ज़रूर लिखें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही आसान, जो कि दिखने में आसान तो ज़रूर होंगे लेकिन उनके फ़ायदे में, उनके असर में कोई संदेह नहीं है, ऐसे नुस्खे पेश करता रहूँगा। तो तिलिस्मी दुनिया चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी बात को, अपने सवाल को, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।